हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के हमारे चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जो भी आपके मित्र से भी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टडी रिलेटेड हम बूस्ट अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आप अपना स्टडी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। कोई भी क्यूरी हो तो फ्रेंड्स हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। फ्रेंड्स, जो वैकेंसी निकली हुई थी पंचायती राज विभाग की, जिसका पूर्व में काउंसलिंग किया गया है, सत्रह नवंबर 2018 को अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट का किया गया, एंड 20 नवंबर को आपका अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का किया गया काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स, इसकी क्या क्या सूचनाएं बनी हुई हैं अब तक हम देखेंगे, किन किन ज़िलों में क्या क्या अपडेट बनी हुई हैं, कहाँ ज्वाइनिंग हुआ है, क्या क्या मेरिट लिस्ट निकली हुई है, फाइनल लिस्ट निकली हुई है, कहाँ ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट निकली हुई है, कहाँ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकली हुई है, कहाँ री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारे हम देखेंगे किन किन ज़िलों में सूचनाएँ बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं क्या सूचनाएं बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं, ये मुजफ्फरपुर जिला की ऑफिशियल साइट है, जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसी ज़िले से। फ्रेंड, जो नए रिक्वायरमेंट आती हैं, किन किन ज़िलों में आई हैं, सारी सूचनाओं से हम अवगत कराते रहेंगे। फ्रेंड्स, डेली नए रिक्वायरमेंट, क्या क्या लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन पैनल जो भी बना है हम अपडेट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप बने रहिए। इसके पूर्व में हमने आपको दो ज़िला का बताया, भोजपुर ज़िला में क्या क्या सूचनाएँ बनी हुई थी, नई रिक्वायरमेंट वहाँ पे जो आई है उसके बताया। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको ईस्ट चंपारण मोतिहारी का ज़िले में क्या क्या सूचनाएँ बनी हुई थी, क्या क्या उसका बताया गया। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मुजफ्फरपुर ज़िला में क्या क्या सूचनाएँ बनी हुई हैं, क्या क्या नए रिक्वायरमेंट आई हैं, ये सारे हम देखेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मुजफ्फरपुर ज़िला की ऑफिशियल साइट है, तो फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट पर हमने क्लिक किया, देखते हैं क्या क्या नए नए अपडेट बने हुए हैं। फर्स्ट है आपका फ्रेंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट पब्लिश किया गया है, देख सकते हैं 1 फरवरी 2019 को स्टार्टिंग डेट कल किया गया। फ्रेंड्स, एंड डेट 28 फरवरी 2019, 3 MB का है। तो फ्रेंड्स, जो जो
कैंडिडेट मुजफ्फरपुर ज़िले में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का दिए हैं, आप ज़रूर चेक कर ले रिजल्ट अपना इसमें। फ्रेंड्स जो भी मित्र सहयोगी और फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके और अपने रिजल्ट से अवगत हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। एग्रीकल्चर में जो एटीएम बीटीएम का जो वैकेंसी निकला हुआ था उसके लिए एग्रीकल्चर आत्मा योजना में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्टेनोग्राफर कम क्लर्क, स्टेनोग्राफर के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया गया है उसका पब्लिश किया गया है 29 जनवरी 2019 को, इंडेट 10 फरवरी 2019, 658 के वीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें अगर अप्लाई किए हैं इस ज़िले में तो देख सकते हैं अपना लिस्ट स्टेनोग्राफर कम क्लर्क के लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकला हुआ था। नेक्स्ट है आपका पीएचईडी कोरिंडेंडम ऑफ वॉकिंग इंटरव्यू नोटिस वाइड लेटर, पीएचईडी के लिए जो है इंटरव्यू निकाला गया उसके लिए नोटिस है 29 जनवरी 2019 को पब्लिश किया गया, 31 मार्च 2019 इंडेट है, 579 के वी का है। नेक्स्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर बीटीएम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो निकाला गया था फ्रेंड्स उसमें बीटीएम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसका लिस्ट पब्लिश कर दिया गया है 28 जनवरी 2019 पब्लिश किया गया है, 2 फरवरी 2019 आज इसका इंडेट है, 2 MB का है। ठीक है फ्रेंड, आप इसमें अगर अप्लाई किए हैं तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, या जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना लिस्ट में नेम देख सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एटीएम्स, एटीएम के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया जो जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, ये भी पब्लिश किया गया 28 जनवरी को, 2 फरवरी 2019 इंडेट है आज। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली हुई थी उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है अकाउंटेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में अप्लाई किए हैं इन सारी पोस्ट के लिए, तो आप अपना चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए हो चाहे एटीएम बीटीएम के लिए हो चाहे पीएचईडी के लिए हो चाहे स्टेनोग्राफर कम क्लर्क किसी के लिए भी हो, तो आप इसमें अपना चेक कर सकते हैं अगर आप इस ज़िले में अप्लाई किए हैं। फ्रेंड्स जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके। और ये सारी सूचनाएँ ओल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज डिपार्टमेंट लिस्ट ऑफ ईबीसी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, ये जब काउंसलिंग के लिए निकाला गया था उसका लिस्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पंचायती राज विभाग का एससी कैटेगरी का टेक्निकल असिस्टेंट, ईबीसी कैटेगरी का, इसी तरह हर कैटेगरी का निकाला गया था फ्रेंड्स।
इसके पूर्व में हमने आपको भोजपुर जिला का बताया, जो जो नए रिक्वायरमेंट आए थे और जो जो शॉर्टलिस्टेड किए गए थे। कस्तूरबा गांधी में रिक्वायरमेंट आया हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, टीएम बीटीएम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल गया और बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी जो हमने की प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद ईस्ट चंपारण मोतिहारी का जो नई नई रिक्वायरमेंट आई थी, जो जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट पब्लिश किया गया था, फिर से आपका पंचायती राज विभाग की जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट का लिस्ट निकाला गया था, एटीएम बीटीएम का ये शॉर्टलिस्ट किया गया। इसी तरह आज मुजफ्फरपुर ज़िला में क्या क्या नई नई सूचनाएँ बनी हुई हैं ये हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट पब्लिश किया गया है, एटीएम बीटीएम स्टेनोग्राफर कम क्लर्क ये सब के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, पीएचडी के लिए इंटरव्यू वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके, जो मुजफ्फरपुर ज़िला में जो जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं वो अपना ज़रूर चेक करें इससे और इस न्यूज़ से अवगत हो सके। फ्रेंड्स, कोई भी क्यूरी हो फ्रेंड्स हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। जो जो नए रिक्वायरमेंट आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आती हैं उसका हम अपडेट बनाए रहते हैं, डेली आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री नए नए रिक्वायरमेंट जहाँ से भी आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर ज़िला में अभी तक ये हैं अपडेट बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट जो है पब्लिश किया गया है 1 फरवरी को। इसी के साथ ही शॉर्ट लिस्ट किया गया है टीएम बीटीएम के लिए, देख रहे हैं बीटीएम के लिए, एटीएम के लिए, अकाउंटेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट जो है पब्लिश किया गया, जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। अगर आप इस ज़िले में अप्लाई किए हैं तो फ्रेंड्स आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या अगर एटीएम बीटीएम में अप्लाई किए हैं अकाउंटेंट में क्लर्क में, तो आप अपना उसमें लिस्ट देख सकते हैं। जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए रिक्वायरमेंट आती हैं हम अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुजफ्फरपुर ज़िले में अप्लाई किए हैं तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जो भी प्रोविजनल लिस्ट निकाला गया है, मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया गया है, अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं। जो भी मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, कोई भी क्यूरी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। आप अपना प्यारी वहीं बनाए रखें फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जैसे कि नए नए अपडेट जो भी आते हैं हम अपडेट करते रहते हैं। जो भी आपके मित्र सहयोगी फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशनल मिलता है, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। वीडियो में क्या कमियां रह गई हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो फ्रेंड्स हमें माफ़ कर दे, क्योंकि हम भी तो एक आप ही की तरह इंसान हैं। गलतियां तो हर किसी से होती है। वीडियो में क्या कमियां रह गई हमें ज़रूर बताएं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।